यह हार मैं मोदी की हार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह गारंटी भी मोदी की गारंटी थी। जो बीजेपी का कैडर है वो बीजेपी को ही वोट करेगा। सारा का सारा खेल होता है उस न्यूट्रल वोट का। लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी हुए इस बात से कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। मैं तर्कों को देखकर वोट नहीं करता हूं, मैं संवेदनाओं को देखकर वोट करता हूं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम वो खाना नहीं खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हम वो खाना खाते हैं जो हमारी जीभ के लिहाज से स्वादिष्ट है। आखिर तीन चरणों के बाद प्रधानमंत्री को यह क्यों याद आया कि मुझे इंटरव्यूज देना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हम और सब आप सबके मन में एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई कि अब ये पप्पू की छवि से तो बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल चुके थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके वोटर्स नहीं है। जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से लोग आकर भाजपा को ज्वाइन कर रहे थे तो भाजपा के लोग अंदर ही अंदर एक चिंता प्रकट कर रहे थे कि हमारा कुनबा तो बड़ा हो रहा है, लेकिन जब इस कुनबे को युद्ध में जाने का समय आएगा तो कौन किसकी टांग खिंचाई करेगा, हम आखिर इस बात को संभालेंगे कैसे। उसने कैडर वोटर को घरों से बाहर ही नहीं निकलने दिया। कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए तो नैया का डूबना तय होता है। तो शंकराचार्य के विरोध के बावजूद वो शंकराचार्य को वहां पर बुला न पाए, लेकिन कार सेवक तो लाइन में लगे रह गए और प्रधानमंत्री जी वीआईपी दर्शन कर प्रभु राम को स्थापित कर वहां पर चले गए। लेकिन उनकी नाराजगी उनका वोट तो बीजेपी को दिला गई, लेकिन उनके पड़ोसियों का वोट बीजेपी को नहीं दिला पाई। राजनीतिक पंडित अब इस बात का जवाब तलाशे कि वोटर के सेंटिमेंट को आखिरकार समझा कैसे जाता है। अयोध्या के अंदर ही बीजेपी को स्वीकार अगर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कारण है, इन बातों को समझना पड़ेगा। जो काशी से सांसद है वहां से चुनाव लड़ते हैं और केवल 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। इनकी शक्ल देखते ही ऐसा लगता है जैसे कुछ कर गुजरने के लिए ही राजनीति में आए हैं। मैं बात कर रहा हूं कुप्पस्वामी अन्नामलाई के, अन्नामलाई की। तमिलनाडु कोयंबटूर से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, और एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा है, जो खुलेआम खालिस्तान की मांग करता है, खुलेआम अपने आप को भिंडरेवाला का भक्त बताता है, भिंडरेवाला को संत कहता है, जो जेल में बंद है वो चुनाव लड़ता है जेल में बैठे बैठे पंजाब के खंडूर साहिब से और चुनाव जीत जाता है। 2300 के 2300 मुसलमान हैं, जिन्हें आवास मिले हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन 2300 में से एक वोट भी, नॉट इवन अ सिंगल वोट गोज टू बीजेपी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी जाकर वहीं डूबी जहां पानी कम था। शायद प्रधानमंत्री कल पूरी रात इसी शेर को याद कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को बार बार याद करते हुए।